और अब खबर सीहोर से है, जहां मुख्यमंत्री के गृह जिले वन विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। सीहोर जिले के छावर वन के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र खेरी बिट गांधिया में सागौन के पेड़ों पर जमकर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। कई जगह दर्जनों सागौन के पेड़ कटे हुए हैं, इसके बाद भी विभाग की आंखें नहीं खुल रही। छावर वन विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकतर वन परिक्षेत्रों में निरंतर पेड़ों की कटाई जारी है, लेकिन मजाल है कि रेंजर किसी नाकेदार पर कार्रवाई कर दे। सूत्रों की माने तो ऐसा विभाग की मिली भगत से ही हो रहा है, तभी तो लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद भी विभाग के आला अधिकारी मौन है। रेंजर शिवहरे की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रेंजर हमेशा जांच करवाने और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं नाकेदार पर आरोप है कि 5,000 रुपए लेने के बाद भी झोपड़ी तोड़ दी। गादिया के 4 हनुमान मंदिर के पास टाट में रह रहे बलराम ने बताया कि वन रक्षक संजय ने मुझसे 5,000 रुपए भी छीन लिए और मेरी झोपड़ी तोड़ कर ले गए। आपको बता दें कि 4 हनुमान मंदिर से लगी हुई वन भूमि पर अतिक्रमण के नाम पर वन रक्षक पर रुपए लेने का आरोप है। वन रक्षक ने अपने ऊपर लगे गए आरोपों को निराधार बताया है। वन रक्षक संजय शर्मा का कहना है कि बलराम ने अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाई थी, हमने उस पर कार्रवाई की, इसीलिए वो मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। अब सच्चा कौन है और झूठा कौन, इसका फैसला तो निष्पक्ष जांच होने के बाद ही पता चलेगा। वही देखना यह होगा कि विभाग नाकेदार पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी औपचारिकता निभा कर फिर से लीपापोती कर दी जाएगी। क्या नाम है आपका? बलराम। कौन सा गाँव है? अच्छा, ये आप पैसे का जो आरोप लगा रहे थे, आपसे किसने पैसे लिए और कितने पैसे लिए आपसे? नाकेदार ने लिए। क्या नाम है नाकेदार का? हाँ, किस बात के लिए था पैसे? कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा ना। अच्छा, और दीवार भी तोड़ दी। कब तोड़ दिया? ये हुआ मैंने दिनों में, दो तीन दिन। कितने पैसे दिया था आपने? 5,000। अच्छा, टप्पर बनाने के नाम के, फिर वापस तोड़ दिया। अब क्या चाहते हैं आप? कुछ भी नहीं, मैं रहना चाहता हूँ ना, इसलिए नहीं रहने के लिए। अच्छा, रहने की जगह नहीं है आपके पास कहीं? नहीं, ना टप्पर ही तो